बताओ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सुप्रीम टीवीएस जो कल्याण ब्रांच है उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ये गाड़ी प्रोवाइड की है टेस्ट राइड के लिए। उनके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये रही टीवीएस की तरफ से रॉनिन की चाबी, SAT का लोगो दिखता है यहाँ पे। और ये रही बाइक तरफ का जो साइड है ये बिल्कुल सेम है, अपाचे से मैचिंग करता है। ये अपर डिपर पासिंग स्विच, ये टर्न नेविगेशन के लिए बटन्स हैं। और यहाँ ये काफ़ी अच्छा लुक देने के लिए उन्होंने बनाया ये मिरर में, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और ये रहा मिरर, दोज आर वाइड इनफ। तरफ अगर देखा जाए तो एडिशनल ये सब कुछ सेम है, सिर्फ इसमें ये हैजार्ड लाइट का जो स्विच है वो एडिशन इसमें दिया गया है। तो हैजार्ड लाइट जो है, जो पार्किंग लाइट है, वो चारों इंडिकेटर ऑन रहते हैं पीछे के दो साइड्स के। यहाँ पे बहुत ही प्यारा टी का लोगो वाला DRL, ये हमेशा ऑन रहता है। तो गाड़ी जब हम चालू करते हैं तो ये जो लोअर बीम है, लोअर बीम की लाइट हमेशा ऑन रहती है और अपर बीम के लिए ऐसे लाइट का थ्रो है। ये जो इंडिकेटर्स है ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, LED इंडिकेटर्स है, तो काफ़ी अच्छा एड ऑन किया गया है। यहाँ पे TVS का लोगो है, यहाँ पे रॉनिन लिखा हुआ है। टैंक जो है ये 14 लीटर का टैंक है, मेटल का टाकी है, तो अगर आपके पास मेटल का जो मैग्नेट वाले टैंक बैग वगैरह रहता है तो वो आराम से आप इस पर लगा सकते हो। पीछे यहाँ पे ये ऐसा कुछ इस तरीके से ग्रैब रेल है। पीछे का जो मडगार्ड है ये मेटल है। और साइलेंसर इस तरफ जो है ये डुअल बैरल वाला साइलेंसर नहीं है, सिंगल है, लेकिन काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट है इसका। स्टैंड की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा कि इसको एडिशन ऐसे स्टैंड एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। सो इंजन की अगर बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है 19.93 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3750 RPM पे। और इसका जो पावर डिलीवरी है वो है 20.4 PS का पावर 7750 RPM पे। गाड़ी का जो लगभग वेट है वो 160 kg के आसपास आता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 181 mm का है। सस्पेंशन जो है वो पीछे की तरफ मोनोसॉक सस्पेंशन है जो 7 स्टेप से आप एडजस्ट कर सकते हो। आगे का जो सस्पेंशन है ये अपसाइड डाउन शोवा का सस्पेंशन है, जो काफ़ी अच्छी बात है। शोवा का सस्पेंशन यूजुअली काफ़ी हाई एंड बाइक में आता है गाइस। अपाचे में भी शोवा सस्पेंशन है लेकिन वो अपसाइड डाउन नहीं है, ये अपसाइड डाउन दिया है। और ये गोल्डन कलर के वजह से काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसमें। तो फ्रंट व्हील का जो डिस्क का साइज़ है वो है 300 mm का। रियर व्हील का जो डिस्क है वो है 240 mm का, ये वाला। इसमें आपको डुअल चैनल ABS का भी सिस्टम मिलता ऑप्शन मिलता है, सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिलता है और कलर का भी काफ़ी सारा ऑप्शंस इसमें मिल जाता है। बात करें तो ऑन करने के बाद ऐसा कुछ ये डिस्प्ले होता है, पूरा एक बार घूम के आता है। यहाँ पे आपका स्पीड दिया हुआ है, ये टाइमिंग, यहाँ पे फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, कौन से गियर पे गाड़ी चल रही है वो। यहाँ पे दो मोड्स दिए हुए स्विच यहाँ पे है, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट मोड इसमें नहीं है, अर्बन और रेन मोड है। अपाचे में तीन मोड्स दिए रहते हैं। ये अपना RPM का है। इस तरफ कुछ लाइट है, न्यूट्रल की लाइट है, इंजन की लाइट है, टर्न इंडिकेशंस की लाइट है, यहाँ पे फ्यूल का लाइट है, स्टैंड का लाइट है और ABS का लाइट। स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये मुझे काफ़ी एक एडिशनली अच्छा फीचर लगा जो मैं मिस कर रहा था अपने बाइक में। इसमें होता ही है कि गाड़ी आप न्यूट्रल में जब रखते हो और इंजन किल स्विच ऑन करोगे तो गाड़ी ऑन हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप क्लच दबा के गियर शिफ्ट करोगे गाड़ी सीधा बंद पड़ जाएगी। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर मुझे लगा। ओडो दिया हुआ है, फिर ट्रिप ए, ट्रिप बी और डिस्टेंस टू MT यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके जो टैंक में है वो फ्यूल से कितना किलोमीटर का रेंज यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। ये इसकी LED लाइट है पीछे की। तो ओवरऑल इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एक 225 cc मोटरसाइकिल के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अपाचे के ऑप्शन में इसको आप ले सकते हो। जो लोग सिटी में राइड करना चाहते हैं और कभी कभी वीकेंड्स में राइड पे जाना चाहते हैं, या फिर मेरे जैसे कभी सिर्फ राइड्स के लिए गाड़ी यूज़ करना चाहते हैं और बिगनर है, तो वो डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। अपाचे का जो फुटबैक का जो पोजीशन है वो यहाँ पे है, इस तरफ है, वेरस इसका यहाँ पे। तो ये काफ़ी एक रिलैक्स्ड है, अगर आप लॉन्ग टूरिंग वगैरह कर रहे हो तो डेफिनेटली काफ़ी रिलैक्सली आप कर सकते हो इसमें। और स्ट्रेट है, ऐसे आगे लीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, काफ़ी स्ट्रेट पोजीशन है। आपको यहाँ पे की होल दिया गया है। तो इसका जो सीट है ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ये सीट का बेनिफिट और एक है कि अगर आप मम्मी या फिर किसी को लेके जाना चाहते हो, आपके पेरेंट्स को, तो वो भी अच्छे से कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। वेरस अपाचे में जो है वो स्प्लिट्स सीट दिया हुआ है, दोनों अलग अलग है। इसमें पिलियन और राइडर दोनों का सेम सीट है और काफ़ी अच्छा सीट है। और एक एडिशनल चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये है इसका जो चेन का जो कवर है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, एक अलग ही लुक दे रहा है इस गाड़ी को। एडिशनली इस गाड़ी में ये एक मेटल का कवर दिया गया रहता है, बहुत सारी गाड़ियों में अलग से हमको आफ्टर मार्केट परचेस करना पड़ता है, बट इसमें एडिशनली ये विद स्टॉक ये दिया गया हुआ है।
इस बाइक का जो ये साइड वाला लुक है ये काफ़ी अच्छा है, साइड वाला, साइड से जो लुक है ना ये वाला, ये काफ़ी एक बल्की सा लुक दे रहा है। पूरी गाड़ी का लुक ही एकदम अलग है, लुक अलग है ना, एक रेट्रो स्क्रैम्बलर जैसा क्लासिक गाड़ी का लुक ऐसे दिया। और एक फीचर है उसको बोलते हैं साइलेंट स्टार्ट, जैसे अभी अपाचे स्टार्ट करेंगे ना खें 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 करके आवाज़ होता है फिर स्टार्ट होता है, वेरी इसमें आप जब बटन दबाओ गार्ड का तो गाड़ी चालू हो जाती है और इसमें कुछ स्टार्टिंग के टाइम पर आवाज़ लगता नहीं है की। क्लच की अगर बात करूँ ना, क्लच गाइस बहुत स्मूथ है, लाइक बहुत, मैं अपाचे चला रहा हूँ, अपाचे के बाद ये जो क्लच है ये ऐसे स्लिपर क्लच है, उसके वजह से ये बहुत स्मूथ फील होता है। ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेक की बाइट भी बहुत अच्छी लगी मुझे, ये देखो काफ़ी अच्छी बाइट है। जो टर्निंग रेडियस है ये भी काफ़ी छोटा है, लाइक अगर आप टर्न मारना चाहते हो तो आपको वापस पीछे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर टाइम पर वहीं पर आपका टर्न हो जाएगा। इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है और क्लच गाइस लिटरली बोल रहा हूँ काफ़ी स्मूथ क्लच है गाइस, लिटरली बहुत स्मूथ क्लच है। रेडियस इसका काफ़ी अच्छा है, जैसे अभी मेरे को टर्न लेना है तो इतने में देखो इतने में भी टर्न हो गई, वेरस अगर ये अपाचे वगैरह होती तो मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्न लेना पड़ता, तो टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो आप माउंटेंस वगैरह पे कर्व्स वगैरह काफ़ी अच्छे से ले पाओगे। अगर आप अंबरनाथ बदलापुर कहीं से बिलोंग करते हो तो सुप्रीम टीवीएस कल्याण वाला जो ब्रांच है वहाँ पर डेफिनेटली उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हो। वाओ बहुत सही है गाइस, गियर शिफ्टिंग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्टिंग है, सही है। काफ़ी अच्छा सा इसमें ना वो ट्यूनिंग किया हुआ है इंजन को लेकर, अपाचे जब मैंने शुरुआत में लिया था ना तो गियर शिफ्टिंग के टाइम पे क्या होता था ना, फर्स्ट से सेकंड पे जब मैं जाता ना टक करके आवाज़ आता था, इसमें वैसा बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल दो ये नई बाइक है फिर भी वैसा कुछ इशू हो नहीं रहा है, देखो एकदम स्मूथली गियर शिफ्ट हो रहा है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। और इसका प्राइस जो है 1,48,000 से लेकर 1,60,000 शोरूम प्राइस होता है, जब आप ऑन रोड लोगे तो 1,83,000 1,90,000 के आसपास जाता है। इसका हॉर्न भी काफ़ी लाउड है। सो गाइस ये वीडियो था रॉनिन के बारे में, आई होप आपके जितने भी छोटे मोटे डाउट्स रहेंगे इस गाड़ी को लेकर वो क्लियर हो गया रहेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस गाइस अच्छा है, एलईडी इंडिकेटर्स दिया है, एलईडी लाइट्स है, वो एक अच्छा फीचर है। टॉर्क और पावर जो है वो भी काफ़ी अच्छे साइड पर ही है, तो और सीटिंग पोजीशन मेन, अगर आप टूरिंग करते हो तो सीटिंग पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं जब बैठा हूँ अभी तो मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी कंफर्टेबली मैं इस पर लॉन्ग टूरिंग कर सकता हूँ, वेरस अपाचे में थोड़ा सा मुझे लीन होना पड़ता था, उसके वजह से मैंने इसका हैंडल बार चेंज किया था। अपाचे सो गाइस शोरूम के सारे डिटेल्स मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूँगा, यहाँ पर आपको भाविका मैडम मिलेंगे, इनसे कॉन्टैक्ट करना, इन्होंने टेस्ट राइड अरेंज किया था मेरे लिए।